लॉकडाउन की वजह से टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी को बताते चले कि जहां कई ऐसे शोज हैं जो बिना एंडिंग के ही बंद कर दिए गए हैं, जैसे पटियाला बेब्स, बेहद टू, इशारों इशारों में और भी कई शोज हैं। वैसे में अब खबर ये आ रही है कि टीवी का सबसे हिट शो यानी कि नागिन 4 भी लॉकडाउन के बाद बंद हो जाएगा। आपको बताते चले कि अब प्रोड्यूसर ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो शो को आगे नहीं दिखाएंगे और इसमें जो रश्मि देसाई की एंट्री हुई थी उसे भी, उस कैरेक्टर को भी अब खत्म कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि रश्मि देसाई जो है वो टीवी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पेड हाई पेड एक्ट्रेस में से एक है और ऐसे में उनका पर डे का उनका जो पैसे होते हैं वो बहुत होते हैं और ऐसे में रश्मि का जो भी कैरेक्टर है उसे खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही साथ नागिन 4 को भी ऑफ एयर कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि एक बहुत बड़ी खबर है, नागिन 4, नागिन की सीरीज देखने के लिए सभी लोग काफ़ी उतावले रहते हैं और वैसे भी देखा जाए तो इस बार नागिन 4 को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। टीआरपी में भी ये शो बहुत मुश्किल से अपनी जगह बना पा रहा था। ऐसे में अब जब प्रोड्यूसर ने ये डिसाइड कर लिया है कि लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही ये शो की एंडिंग कर देंगे, जी हाँ ऐसी खबरें आ गई हैं। और आपको बताते चले कि अब एकता कपूर भी अब शूटिंग को लेकर बेहद गंभीर है और वो बात कर रही हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से। अब देखना दिलचस्प होता है कि आगे क्या डिसीजन आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।